हम एक तरफ मग़रिब की उन पॉलिसियों का मुसलसल निशाना बन रहे हैं, हम मुसलसल हमारा मुल्क उसकी ज़द में है कि जहाँ पर हम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के उस इस्लामी तसव्वुर को उजागर करना हमारे फ़राइज़ मनसबी में है, हमारी रियासत के फ़राइज़ मनसबी में है, हमारी हुकूमतों के फ़राइज़ मनसबी में है। आज हम पाकिस्तान के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस्लाम के हक में आईन के दिए हुए उन हिदायत और अहकामात की रोशनी में इस्लाम के हक में वो प्रोपेगंडा किया है जो इस रियासत का और इस रियासत के आईन का इस्लाम पर हक है, या हमने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया है? जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं काबीना का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी कौम की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात को इस पार्लियामान के अंदर ज़रूर बयान करना है कि मग़रिब पाकिस्तान के अंदर उस इस्लामी तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। हम 75 साल एक मरतबा जब हम इस मुल्क को दो कौमी नज़रिए पर बनने वाला मुल्क कहते हैं, नज़रियाती तौर पर इस मुल्क को इस्लामी बुनियादों पर खड़ा करने वाला मुल्क कहते हैं, तो फिर 75 साल होने के बावजूद ये बहस आज भी क्यों जारी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है? क्या कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तसव्वुर से नहीं बनाया था? क्या उन्होंने बर्रे सगीर के अंदर दो कौमी नज़रिए की बात नहीं की थी? आज अगर हम स्वीडन में होने वाले वाक़े पर जो एक मलऊन शख्स ने कुरान करीम के बारे में किया, और ये तसलसल है उन वाक़ात का जनाब स्पीकर जो माजी में भी होते रहे, माजी में भी हम एहतजाज करते रहे, माजी में भी हम उनके सामने मजम्मतें करते रहे, लेकिन अब हमें इसको फैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा। हमें दुनिया के हर फोरम पर जो दुनिया इस दुनिया ने बनाए हैं इंसानियत के लिए, उस पर इसको उठाना होगा। अगर किसी रियासत के परचम को जलाना जुर्म है, अगर किसी रियासत के सिपहसालार की तस्वीर को जलाना जुर्म है, तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान करीम को जलाना सबसे बड़ा जुर्म करार देना चाहिए, और हमें ये बात उन पर आया कर देनी चाहिए कि मग़रिब की वो तरजीहात जो पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ हैं। और मैं इसका आगाज़ जनाब स्पीकर उस वक्त से जब जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मग़रिब की पॉलिसियों की दवाम के लिए और उनकी तरजीहात के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट न रहे, उस वक्त से इस मुल्क के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ, मुसलमान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ, लेकिन इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ अवाम जिन्होंने मजहबी लोगों को, जिन्होंने जम्हूरियत के ज़रिए अपने उन पेशवाओं को इस पार्लियामेंट में भेजा, इस दस्तूरसाज असम्बली में भेजा, जिन्होंने 25 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिल आखिर इस पाकिस्तान को एक इस्लामी आइन दिया, और आज हम तमाम जमातें इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इसको, कायद आज़म ने इस मुल्क को इस्लामी मुल्क के तौर पर हासिल किया, और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इस मुल्क को एक इस्लामी आइन देने के बाद उस सफ़र में उस पर इजाफ़ा किया कि जो कायद आज़म पाकिस्तान को देखना चाहते थे, उसका आइन हमने उसी तरह कौम को दिया। जनाब स्पीकर, कुरान करीम की बेहुर्मती और कुरान करीम के साथ होने वाले इस नफ़रत अंगेज़ शरंगेज़ फेल की हम उम्मत मुस्लिमा की उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ओआईसी की फोरम पर
एक ताकतवर बयानिया बनाया जाए, उसको अक्वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए और इस मसले पर एक मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए। आज हमें मगरब तंग नज़री की बात करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी की बात करता है। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम पर के नाम पर सूरतें हैं। आज मुसलमानों के घर में उनकी औलादों के नाम मूसा भी रखे जाते हैं, ईसा भी रखे जाते हैं, मरियम भी रखे जाते हैं, आज फिर भी हमें तंग नज़र कहा जा रहा है। और उनका ये फेल, जब इदारे उनकी पुश्त पनाही करें, उनकी अदालतें उनकी पुश्त पनाही करें, उनकी फोर्सेस उनकी पुश्त पनाही करें, और जब इस तरह के वाक़े से मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जाए और फिर आखिर में आकर कहा जाए कि ये उसका इनफरादी फेल है लेकिन कानून अनजायज है, ऐसे कानून को बदलना होगा। इस तरह के कानून को मुसलमान और इस्लाम मुस्तरद करता है। हम उनकी तहरीफ शुदा आसमानी कुतुब को उनकी तौहीन नहीं करते। उन्होंने खुद आसमानी किताबों में तहरीफात किए, उन्होंने अपने मज़हब के अंदर तहरीफात किए, उन्होंने अपने पैगंबरों की तस्वीरें और उनके बुत बनाए, हमें उस पर भी एतराज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान किसी मज़हब की तौहीन नहीं करता, लेकिन वो आज़ादी इजहार राय की बुनियाद पर और हेट स्पीच की बुनियाद पर पाकिस्तानियों और मुसलमानों के और उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ते हैं, कोई किसी बात को नहीं सुनता। और ये एक तसलसल है जनाब स्पीकर। मैं भी अपनी तजवीज़ अपनी हुकूमत को ये देना चाहता हूँ कि हमें मगरिब की उन तरजीहात को अब खैर बात कहना होगा जो मगरिब हमारे मुल्क के अंदर मदारिस के कानून साजियों को बदलना चाहते हैं। हम उन कानून साजियों को मुस्तरद करते हैं। मदारिस बर्रे सगीर में 150-200 साल से कायम किए गए, अंग्रेज़ के दौर में भी मदारिस चले, अंग्रेज़ के दौर में भी इन मदारिस ने कुरान करीम के हुफ्फाज़े कराम तैयार किए, अंग्रेज़ के दौर में भी फुकहा तैयार हुए, मुहद्दिसीन तैयार हुए। ये क्या अंधेर नगरी है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पर मगरिब के एजेंडे के और मगरिब की तरजीहात होंगी वहाँ पर हम उनके तसलसल में हर हुकूमत हाँ में हाँ मिलाएगी या हमारी रियासती इदारे उनको अपनी तरजीहात तस्लीम करेंगी। मैं इस फोरम के ज़रिए आज अपनी रियासत में बसने वाले 22 करोड़ मुसलमानों को ये कह देना चाहता हूँ कि मदारिस पाकिस्तान के अंदर 50 लाख कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, 50 लाख लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं, उनके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, उनके सुबह शाम का खाना वो दे रहे हैं, उनको तालीम मुफ्त दे रहे हैं, उनको मिडिल और मैट्रिक तक मुफ्त तालीम दी जा रही है और सालाना 1 लाख हुफ्फाज़े कराम ये मदारिस पाकिस्तान को हुफ्फाज़े कराम दे रहे हैं। जहां उम्मत मुस्लिमा को कुरान करीम के एक नुस्खे को जलाने पर बेचैनी बेकरारी है, वहां अगर मगरिब के एजेंडे पर हमारी रियासत और हमारी हुकूमत उन तरजीहात को अपने सामने रखेगी तो जमीयत उलमाए इस्लाम को अपने सामने पाएगी। हम मदारिस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहां पर कुरान करीम के हुफ्फाज़ तैयार होते हैं हम मदारिस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहां पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सिकंदर मिर्ज़ा से जनरल बाजवा तक मदारिस इस्लाहात के नाम पर उनकी कानून साजियों को उनकी मदारिस को फुटबॉल बनाया गया,
कभी एक इदारे के पास उसको भेजो, कभी दूसरे इदारे के पास उसको भेजो, कभी उसको इस कानून के तहत रजिस्टर करो, कभी उसको इस कानून के तहत रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन का मसला है, मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं उस कानून से फ़ायदा उठाना चाहता हूं कि मैं इस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, किसी महकमे का अफसर कौन होता है कि मुझे उस रजिस्ट्रेशन से रोक सकता है? या तो वो कानून होगा और उस कानून का फ़ायदा मुझे उठाना चाहिए और मुझे ये आईन हक देता है कि मैं उस कानून का फ़ायदा उठाऊं, या तो फिर उस कानून को ख़त्म करो। 1860 के एक्ट के मुताबिक अंग्रेज़ दौर में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन होती रही, सन 90 तक उन मदारिस की रजिस्ट्रेशन होती रही। सन 90 के अंदर मदारिस की रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया, 15 साल तक उन मदारिस की रजिस्ट्रेशन को रोका गया। 15 साल के बाद 2004 और 5 के अंदर तमाम सूबों के अंदर कानून साजी हुई, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कानून साजी हुई। 2017 तक उसके कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन जनाब स्पीकर होती रही, आज फिर उन मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद है। क्यों? कानून होते हुए मदारिस को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। मुझे इस पर एतराज़ है और मेरा इस पर मौक़िफ़ उस वक्त भी ये था कि हमें आईन और कानून के अंदर रहते हुए हर हक को आवाम के दहलीज तक पहुँचाना चाहिए। मैं जनाब वज़ीर आज़म की मालूमात में ये बात लाना चाहता हूँ कि हम इस पर पहले भी आपके साथ बात कर चुके हैं, कमेटियों के अंदर बात कर चुके हैं, यहाँ पर कानून साजियाँ होती रहीं, यहाँ पर जॉइंट सेशन बुलाए जाते रहे, यहाँ पर मुख्तलिफ कानून साजियाँ होती रहीं। हमने कभी आपके साथ कानून साजियों में सौदाबाजी नहीं की, खुदा की कसम नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। लेकिन ये मदारिस का हक है कि पाकिस्तान के इस्लामी नज़रियाती अकीदे के लिहाज से जो इस्लाम के किले हैं उन किलों को की हिफाजत करना। अगर ये आप कर गए, अगर ये आपकी हुकूमत कर गई, तो फिर ये मगरब को मुंह तोड़ जवाब होगा कि जो सालों से, कई सौ सालों से पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर इस्लामी रियासत में अपने मकासद के हुसूल के लिए इसी मस्जिद, इसी मदरसे को रुकावट समझती है, और इंशाल्लाह इस रुकावट का उनको हमेशा सामना करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अहदाफ बिल्कुल वाज़े हैं, हम किसी सूरत भी उन अहदाफ को किसी दूसरे फ़लसफ़े के साथ, किसी दूसरे मकसद के साथ खल्त मल्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये बात ख़ुद भी समझनी है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की, उनकी क़यादतों की, आज हमें उन ज़िम्मेदारियों को समझना होगा। और जनाब स्पीकर, मैं आपके तवस्सुत से पूरे कौमी असम्बली के और सेनेट के अराकीन के सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, यहाँ पर मदारिस को बमों से उड़ाया जाता है, 200 तलबा उसके अंदर जल भुन जाते हैं, कुरान करीम उसके अंदर जल भुन जाते हैं। उस वक्त उस तोहीन अंगेज, नफरत अंगेज, शरंगेज उस अमल को हम रियासत के तौर पर क्यों नहीं रोक सके और क्यों नहीं रोक सकते? बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कबाइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां पर मदारिस के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप हमें कहते हैं, बल्कि हम खुद आपसे बढ़कर दावेदार हैं कि हमने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, इस्लामी आइन दिया। लेकिन आज 73 के बाद 2023 के अंदर हमारे उलमाए किराम को शहीद किया जाता है जनाब स्पीकर, और आपके एक दो सालों के अंदर हमारे एक एक तहसील में
باجوڑ تحصیل میں 17 علماء کرام کو شہید کیا گیا، ان کی وجہ سے وہاں مدارس بند ہوئے۔ میرن شاہ کے اندر جس تحصیل میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اجتماع مقرر کیا، اور کیوں کیا جناب وزیر اعظم؟ اس لیے کیا کہ وہاں اس تحصیل میں دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا گیا، جمعیت علماء اسلام نے وہاں اجتماع کیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا۔ اس کے بعد عید کے دن تک 5واں جنازہ ہم وہاں اٹھا چکے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت، انتخابی سیاست، میں جنازے اٹھاتا رہوں، میں اپنے رجال کار کو زمین کے سپرد امانتن کرتا رہوں۔ آپ مجھے کہیں کہ وہاں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگو، اسمبلیوں تک اپنی رسائی ممکن بناؤ، اقتدار تک پہنچو، پھر اپنے نظریات کی عملداری اور امپلیمنٹیشن کرو۔ کون سا ضلع ہے میرے صوبے کے اندر، کون سی تحصیل ہے میرے صوبے کے اندر، کون سا ضلع ہے بلوچستان کے اندر، کون سی تحصیل ہے فاٹا کے اندر جہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما شہید نہیں کیے گئے، جہاں ان کے کارکن شہید نہیں کیے گئے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور سے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہی ہے، وہ پاکستان کے آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں جناب اسپیکر، لیکن ہمیں اس ریاست کے طور پر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ایسے ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ الیکشنز دیکھے، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ حکومتیں دیکھی۔ آج بھی ہم اس فورم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2018 کے اندر ہم نے حکومت بائی چوائس نہیں لی تھی، ہمیں اس کی دعوت دی تھی کہ آپ اگر 2018 میں ایک مخصوص جماعت کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لیں تو آپ کو ہم صوبوں میں حکومتیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم حکومت کریں گے عوام کی زور پر کریں گے، لیکن انتخابات میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی جو تشویشناک ہے، دنیا بھر کے ایجنڈے پاکستان پر مسلط نہ کیا جائے جناب اسپیکر، ہم ان تمام ایجنڈوں کو جو مغرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس ریاست کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر جناب وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کو جو آپ کی نگرانی میں حل ہو چکا تھا، اس کو جلد از جلد اس کی قانون سازی کے لیے یہاں پر احکامات جاری کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں۔ جناب وزیر اعظم، یہ ملک 1,00,000 حفاظ کرام دیتا ہے، دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے تمام نسخے بھی مٹا دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، یہ حفاظ کرام جس طرح نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی، قرآن کریم کی جو خدمت اسلام نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس خدمت کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا ہم پورا نہیں کر سکتے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ قرآن میں رہنا ہے، اور جب تک قرآن رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ ہم اس بات پر مکمل حکومت کو تائید دیں گے کہ وہ جس فورم پر بھی اس مسئلے کو اٹھائے گی، اس مسئلے کو اب مستقل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور پاکستان میں اسلامی ریاست کے تصور سے جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو بنایا تھا، ہم عملاً بھی اس کو دیکھ سکیں۔ کچھ گزارشات میں نے اس فورم پر کر دی ہیں اور کچھ گزارشات میں انشاءاللہ کیبینٹ کے فورم پر جناب وزیر اعظم اور اپنی کابینہ کے سامنے رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔